लेकिन उनका भी मामला यहां वहां झंझावातों में सरकारीकरण में फंसा हुआ है। वो आते हैं नौकरी मांगने, हम उनको देते हैं लाठियां। तो ऐसे में फिर तो ये केवल शिक्षक दिवस एक टोकनिज्म बन के रह जाएगा कि चलो भाई 26 जनवरी 15 अगस्त को हम जय हिंद के नारे लगाते हैं, फिर 100 में 99 बेईमान, मेरा देश महान, वैसे शिक्षक हो जाएगा हिसाब किताब कि चलो भाई ठीक है आज शिक्षक दिवस है तो गुरु को पूज लो, बाकी पूरे साल गुरु ना हो गया वो गोरु हो गया गोरु। ये दिक्कत है शर्मा जी। जी बिल्कुल, देखिए आज क्या है जो शिक्षा का व्यवसायीकरण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आज बड़े बड़े आपको देख लीजिए कई जगह तो माफिया लोगों ने भी बड़े बड़े जो हायर जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, जो चिकित्सा के MBBS तक के जो इंस्टीट्यूट है उनको लगाने का प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजी माध्यम के बड़े बड़े एयर कंडीशन बड़े बड़े उद्योगपति लगा रहे हैं, जिनमें खुद शिक्षा का भाव नहीं होगा वो शिक्षा के प्रति आकर्षित कैसे होगा। उनका एक काम है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव जहां पर होता है वहां पर शिक्षा का जो प्रादुर्भाव ठीक से है वो नहीं हो पाता। इसमें सर्विस मोटिव बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात सही है कि शिक्षक और सरकार दोनों की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जहां प्राथमिक शिक्षा की अपनी कठिनाइयां हैं वही हायर एजुकेशन की दृष्टि से हमारी अपॉर्चुनिटी बढ़ी है और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट भी खुले हैं, लेकिन उसमें अगर शिक्षक की दशा आप देखिए तो आज भी वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो होते हैं उसमें और साधन संसाधन पे ज्यादा व्यय है, लेकिन शिक्षक अच्छे आएंगे उसमें नहीं होता। दिनेश जी, तो दिनेश जी मुझे लगा था कि आज शिक्षक दिवस पर मैं अपनी सारी जो वो है ना वो 10वीं तक सीमित रखूंगा, 10वीं तक की पढ़ाई नींव दुरुस्त कर दीजिए बाकी अपने आप लड़ लेगा। मैं एक शब्द चित्र जरूर बयान करूंगा जो आज से 25 वर्ष पहले मैंने देखा था, 30 वर्ष पहले, शब्द चित्र बता रहा हूं। 10वीं का इम्तिहान चल रहा है, मिश्रा जी आप सुनिए, आप नेता हैं शिक्षकों के। फरुखाबाद में एक तहसील है कमालगंज, वहां के एक स्कूल में इम्तिहान चल रहा था 10वीं का। वहां चारों ओर खाई खोद दी गई 4 फुट गहरी, उसमें पानी भर दिया गया भगवान का नाम लेके, और इंट्रेंस के समय पटरा डाल दिया गया जिससे बच्चे और बच्चों के माता पिता और नकल कराने वाले लोग उसको पुल को पार करके अंदर चले जाएं। उसके बाद पटरा हटा लिया गया, पटरा समझ रहे ना, लकड़ी का तख्ता। ये शब्द चित्र सुनिए, उसके बाद उत्तर मांगूंगा। उसके बाद वहां जो दृश्य मैंने देखा अतुल जी, जी प्रिंसिपल साहब 2 बंदूकचियों के साथ आए और पीछे एक मुनीम लाल रंग का एक रजिस्टर लिए और एक झोला लिए, हर कमरे में गए। हाँ भाई तेरा नाम क्या? बोले मुन्ना लाल। बोले खड़ा वहां, बोले भाई तुमने तो 1000 रुपया दिया, तुम इस कमरे में कैसे बैठे? तुम उसमें जाओ 500 वाले में, 500 वाले में से कह दिया बेटा तुमने 2000 दिए तुम उस वाले में जाओ। मैं चकराया, मैंने कहा ये क्या व्यवस्था है इसको समझू। मैंने उनसे पूछा, शाख साहब थे, वे पराक्रमी व्यक्ति थे, मैंने उनसे पूछा इन्हें क्या बवाल है। बोले नहीं असल में क्या है कि 500 वाले में ये व्यवस्था है कि अपने आप नकल करोगे, आप नकल की सामग्री खुद लाओगे, हम जिम्मेदार नहीं। मैंने 1000 वाले में क्या है? बोले 1000 वाले में टीचर बोर्ड पर पर्चा हल कर देगा। मिश्रा जी सुनिए, टीचर बोर्ड पर पर्चा हल कर देगा। और मैंने कहा 2000 वाले पैकेज में क्या डील है? बोले 2000 वाले में टीचर लिखेगा आप सिगरेट पीते रहो। ये इम्तिहान मैंने देखा है आंखों से, किसको दोष दू? विधानसभा को, लोकसभा को, संयुक्त राष्ट्र संघ को, ओबामा को, या गोविंद वल्लभ पंत को याद करूं? मजाक बना दिया शिक्षा को, और खुलेआम वसूली, झोले में डाल रहा पैसा आदमी और टिक लगा रहा। बंदूकचियों की क्या जरूरत भाई वहां? ये पैसा वसूली की क्या मतलब है? मुजरा हो रहा है क्या? ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में आज भी, आज भी। जी मिश्रा जी, जी आप बोलिए। हाँ हेलो जी, बताइए मिश्रा जी। हाँ ये देखिए, अभी अमिताभ जी ने बहुत अच्छा एक उदाहरण पेश किया, लेकिन इसके विरुद्ध जो नकल माफियाओं का खेल है इसके खिलाफ हमारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ बराबर संघर्ष करता रहा। मिश्रा जी, वहां जो लोग नकल करा रहे थे वो भी माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्य थे, मेरा मतलब वो भी अध्यापक ही थे। आप मेरी बात तो सुनिए अमिताभ जी, माध्यमिक शिक्षक संघ, आप ये जानते हैं शिक्षक एक वित्तविहीन विद्यालय है, फर्जी विद्यालय चलते हैं, और ये विद्यालय जो प्रदेश के बड़े बड़े नेता है, मंत्री है, उनके विद्यालय होते हैं।
यहाँ नकल की जो शुरुआत होती है वो पहले फर्जी विद्यालय होते हैं जो बिना मान्यता के हैं उनके बच्चों का पंजीकरण कराते हैं। अधिकारी ये कहते हैं मुख्यमंत्री दोषी नहीं, मैं कहता हूँ शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री सब दोषी हैं, हमने सबके यहाँ गुहार लगाई है। ऐसे पहले केंद्र बनाए जाते हैं, पहले बच्चों का पंजीकरण होता है। बताइए राजधानी लखनऊ में, आप तो उदाहरण वहां दे रहे हैं, आप यही का लीजिए, राजधानी में है, मैं बराबर संघर्ष करते हैं, महेश्वर सरस्वती इंटर कॉलेज है, नन्हे सिंह स्मारक इंटर कॉलेज है, मैं केवल एक क्षेत्र की बात कर रहा हूं, वहां कुंवरासी फली विद्यालय है, चंद्रशेखर गादो है, जावेद अली है, विद्यालय में 20 कमरे हैं, बच्चे वहां 5,000 पढ़ते हैं। आप बताइए 5,000 बच्चे कैसे पढ़ते हैं, हम विरोध करते हैं बराबर, लेकिन होता यह है कि भ्रष्ट अधिकारियों की नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है, उनसे वसूली होती है और राजधानी लखनऊ का कम से कम 1 करोड़ से अधिक का व्यवसाय इसका होता है प्रतिवर्ष, इसके खिलाफ हम संघर्ष करते हैं। वहां पर अधिकारी बैठा दिए जाते हैं, वहां बच्चों को फॉर्म, फर्जी बच्चों के फॉर्म, जो दूसरे 2000 मान्यता बिना मान्यता विद्यालय चल रहे हैं, हमने आवाज उठाई 351 को सूची सौंपी थी, ब्यास ने 221 विद्यालयों के खिलाफ FIR दर्ज कराई, कार्रवाई कोई नहीं, समय फाइनल लग गई, और वो विद्यालय है, यही विद्यालय इन बच्चों को पंजीकृत कराते हैं, धंधा तो चलेगा ही। आप उदाहरण बता रहे हैं, मैं राजधानी की बात कर रहा हूं, मैं शहर की बात कर रहा हूं, और यहां पर ये सारा पैसा इकट्ठा होकर ये आप तो शहर के मेयर भी हैं, अगर इतनी गड़बड़ियां हैं और आप तो विरोधी दल हैं, चुनाव सर पर है, उत्तर प्रदेश में आपने 60-80 सीटों को टारगेट रखा है, अरे भाई चलो शिक्षा से ही शुरू करते हैं फिर। अमिताभ जी एक दिन, आलो जी एक दिन, अतुल जी आप एक दिन के लिए मुझे अधिकार दे दीजिए जी, जैसे कि पिक्चर में आता था ना, तो एक दिन के लिए अधिकार दे के लिए जो मेरे अधिकार में नहीं है। मैं मिश्रा जी की बात से 200% सहमत हूं, और मैंने अभी आपको यही बात कही कि शिक्षा का जो व्यवसायीकरण निजी क्षेत्रों में किया जा रहा है उस पर अंकुश होना चाहिए, एक सी शिक्षा नीति होनी चाहिए, गुरुकुल की व्यवस्था होनी चाहिए, उसे कृष्ण सुदामा साथ पढ़े, एक ही कोर्स पढ़े, पढ़ाने का ढंग जहां अच्छा होगा वहां के बच्चे अच्छे निकलेंगे, जहां नहीं होगा वो अपने आप पीछे होते जाएंगे और उससे कार्रवाई होगी। एक सिस्टम लागू होना चाहिए। क्या कारण है, आप अंग्रेजी वालों को आपने बोर्ड अलग कर दिया, उनकी उनका कोर्स शेड्यूल अलग कर दिया, हिंदी वालों को कोर्स शेड्यूल अलग कर दिया, उनको पढ़ाने वालों की व्यवस्थाएं अलग कर दी, निजी क्षेत्रों की सुविधाएं और तनख्वाहें अलग कर दी। जो सरकारी पाएगा वो हीन भावना से होगा कि वो निजी क्षेत्र में तो जब वो 10 गुना फीस ले रहे हैं तो वो 2 गुना तनख्वाह भी दे सकते हैं, वो इसलिए व्यथित है कि उसको उनसे ज्यादा फीस, वो ज्यादा तनख्वाह मिल रहा है, और वो इसलिए व्यथित है कि दो सरकारी वाले तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। ये जो विसंगति कार्यों में है उसमें एक स्पष्ट शिक्षा नीति की जरूरत है, और मैं समझता हूं प्राथमिक शिक्षा अगर ठीक नहीं है तो उस प्रदेश में बहुत ज्यादा संभावनाएं होंगी शिक्षा के दृष्टि से। दिनेश भाई मुझे शक पड़ता है, दिनेश भाई मैं तो कबीर हूं, कबीर के पंथ का नहीं, सुनिए ना, मैं कबीर पंथी हूं, मैं तो कागज लेखी कहते नहीं, मैं तो आंखें देखी कहता हूं, जो मैंने देखा खुद आंखों से, सुना नहीं। मैं एक उदाहरण सुन लीजिए, मैं M.Com कर रहा था उत्तर प्रदेश के एक जिले में, एक डिग्री कॉलेज से, M.Com फाइनल में वाइवा भी होता है 100 नंबर का। हाँ मैं लेता हूं, मैं बहुत प्रतिभाशाली नहीं रहा, लेकिन कम से कम इतना रहा कि 75% नंबर मेरे 8वीं से लेकर और M.Com तक आए, 75 से ऊपर। मेरे जो विभागाध्यक्ष थे वाणिज्य के, उनका ये उसूल था, वो गंगा जल और तुलसी का पत्ता हाथ में ले लिए थे नौकरी ज्वाइन करते दिन ही, कि भाई बिना ट्यूशन पढ़े जो बच्चा वाइवा देगा उसको पास नहीं होने दूंगा, इस बात का शपथ लेके आए थे वो। ठीक, मुझे झूठ बोलकर उस कॉलेज में वाइवा अवॉइड करना पड़ा, मेडिकल लगाना पड़ा दिनेश जी, और उसके बाद मैंने जाके यूनिवर्सिटी से स्पेशल परमिशन लेके क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर में वाइवा दिया। इसमें दोष सरकार का है, इसमें दोष राज्यपाल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का है। हमने कहा ये जो नैतिकता का क्षरण है, ये जो व्यक्तिगत बेईमानी इस अध्यापक के मन में घुस गई, इसने भी बेला गरक किया, ये भी जान लीजिए। ठीक बात जी शर्मा जी। और देखिए एक मैं ये मानना मेरा कि अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं, जो आप कह रहे हैं कि शिक्षा में परिवर्तन नहीं कर सकते, अभी परिवर्तन, मैं नगर निगम में जब मेयर बना तो हुआ शिक्षक मेयर है। आप आज आके, पहले लोग उपहास करते थे कि नगर निगम में के पढ़े लिखे हो क्या, आज उसी में एडमिशन के लिए लाइन लगती है, हमारे जो चिल्ड्रन पैलेस है या म्यूनिसिपल गर्ल्स है उसमें शिक्षा का सुधार हुआ, अध्यापक वही है, पढ़ाने का सिस्टम बदला, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ी और उनसे जिम्मेदारी भी फिक्स की गई कि इतने बच्चा फर्स्ट नहीं आएगा। हमारे वहां ठेले वाले का बच्चा और ये इस प्रकार के आम लगाने वाला और फल लगाने वाले के बच्चे
पढ़े और 95% बच्चा फर्स्ट आया है हाईस्कूल और इंटर में, और उसमें 90% से ऊपर वाले जो लोग हैं जिनकी मां बर्तन मांजती है, स्वयं वो ठेला लगाते, इस प्रकार के बच्चे आए। लेकिन वो क्या है कि सस्ते में अच्छी शिक्षा नहीं होगी, ये मिथक है, ये ठीक नहीं है कहना कि इसी में हो सकता है। अगर टीचर यहां पर कोशिश करे, हमने वहां पर अनिवार्य कर दिया कि शाम को जो कोचिंग होगी वो निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और वही अध्यापक जो पढ़ाएंगे उनको अतिरिक्त जो पैसा होगा वो नगर निगम देगा। आज ये इतनी लोकप्रिय हुई कि आज बच्चा फ्री में पढ़ने के लिए दूर दूर से आता है, और जो बच्चा आएगा उसको पढ़ाया जाएगा। गर्मी की 2 महीने की छुट्टी है, जो कंपटीशन होंगे वो हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को उसमें कंपटीशन का फ्री आपका उनको 2 महीने की कोचिंग बड़े बड़े लोग आके देंगे। ऐसी व्यवस्था लागू की गई। आज देखिए कि नगर निगम के लिए आज लोग लाइन लगाते एडमिशन के लिए खड़े होते हैं। सुधार के लिए अधिकार चाहिए, और अधिकार के लिए भावना और इच्छा शक्ति चाहिए। मिश्रा जी सरकार ना चाह रहे हैं, मैंने अध्यापकों पर तर्क टिप्पणी कर दी तो उनका बोलना जरूरी है। मिश्रा जी मेरा कहना है कि आप कह रहे हैं शासन और सरकार जिम्मेदार नहीं है, शिक्षकों की नियुक्तियां होती है, आपको मालूम होना चाहिए कि नियुक्तियों में 12 से 15 लाख 18 लाख रुपए घूसखोरी हो रही है। ये घूसखोरी का पैसा सीधे जाता है मंत्रियों के पास और सीधे जाता है हमारे प्रदेश सर्वोच्च सत्ता के पास में। अगर नियुक्ति के लिए 12-15 हजार कोई 18 हजार रुपए दे करके आएगा तो क्या करेगा वो? ऐसे शिक्षक नियुक्त होंगे आज जो अर्हताधारी नहीं है, फर्जी मार्कशीट के आधार पर राजधानी लखनऊ में गारंटी से कहता हूं 5 वर्ष में जो नियुक्तियां हुई आप उसको चेक करवा लीजिए, दिखवा लीजिए, उसमें 50% होंगे जो क्वालिफाइड नहीं होंगे। हम लोग आवाज उठाते, आवाज दब जाती, हमारा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बना हुआ है, वहां पर जो सदस्य हैं, एक ऐसा जो भ्रष्टाचार के लिए फर्जी नियुक्तियों के लिए मशहूर था उसकी अपॉइंटमेंट कर दिया गया सदस्य चयन बोर्ड, जो हाई स्कूल का टीचर 2 साल का फर्जी नियुक्त हुई और आज वो प्रिंसिपल और लेक्चरर का चयन करेगा। आप ये क्या शिक्षा की दशा होगी? ये बराबर प्रकरण उठाया गया, मुख्यमंत्री तक गया, लेकिन चूंकि 5 करोड़ रुपए संज्ञान में आया दिए गए हैं तो पैसे के आगे सब कुछ बच गया। किसको शिक्षा की? अगर शिक्षा की नहीं अपॉइंट होगी तो स्थिति होगी। 5 करोड़ रुपए किसके पास पहुंचे? ये जानकारी में आया कि 5 करोड़ रुपए खर्च करके नियुक्त हुई है। ना ये संज्ञान में 5 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए? तो मुख्यमंत्री में तो डाले नहीं होंगे, कहाँ गए? नहीं नहीं गए होंगे वहीं पर जहां अपॉइंट हुआ है। ऐसा व्यक्ति क्या यहाँ रहता होगी जो हाई स्कूल पढ़ाने वाला हो, प्रिंसिपल का चयन करेगा? 2 साल की नियुक्त हो तो ये खबर व्यक्ति अपॉइंट होगा चयन बोर्ड में। ये खबर मैं आपके हवाले से चला दूं चैनल पर? नहीं बिल्कुल चला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अंताब जी संवाद की टिप्पणी कर दीजिए। देखिए एक तो मैं मिश्रा जी से कहूंगा, क्लेरिफिकेशन दूंगा, 80 के दशक में कहीं 15 लाख रुपया नहीं लग रहा था, ना रिश्वत इतनी जोर थी उत्तर प्रदेश में, ये भी समझना होगा। आज की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए इस तरह के तर्क मत दीजिए बहस में जो गिर जाए बहस में, है ना। सत्य को स्वीकारिए, ये अपने 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 अध्यापकों के सामने अपने शिक्षक संघ की सदस्यता बढ़ाने के लिए ये तकरीर अच्छी है। कभी कभी नहीं, लेकिन मैं तो पूरा सुबह घूमा हूँ भाई। एक मिनट मेरी बात सुनिए, माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी, मैंने गंगा का पानी पिया, मैंने यमुना का पानी पिया, गोमती का पानी पिया, रामगंगा का पानी पिया, बूढ़ी गंगा का पानी पिया, गंडक का पानी पिया, मुझे जानने की जरूरत है क्या उत्तर प्रदेश को? ये नहीं, ये भी मानिए सरकार अपने फंड पर दोषी है, लेकिन अध्यापकों ने भी पेशे की गरिमा गिराने में ईश्वर का नाम लीजिए कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी, ये देखना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, मैंने अभी राजस्थान के अपने चैनल में ये बात कही दिनेश जी, वहां घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ थे, शिक्षा मंत्री रहे राजस्थान के वसुंधरा जी की सरकार में 4 साल, मैंने कहा एक बात कहता हूं, एक टोटका बताता हूं, एक जंतर बताता हूं, पूरे प्रदेश की बेसिक शिक्षा की तस्वीर बदल जाएगी एक रात में। वही बात उत्तर प्रदेश के लिए कहता हूं, जिले का कलेक्टर, जिले का कप्तान, विधायक, सांसद और मंत्री, फिर रिपीट करता हूं, जिले का कलेक्टर, जिले का कप्तान, विधायक, सांसद और मंत्री एक साल के लिए इस शिक्षक दिवस से अगले शिक्षक दिवस तक सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें,
ना मास्टर की समस्या रहेगी, ना मिड डे मील में छिपकली निकलेगी, ना भ्रष्टाचार होगा, ना ट्यूशनबाजी होगी, ना मास्टर स्कूल में गलत हाजिरी बना के भाग जाएगा खेत में काम करने के लिए, ना महिला मास्टर स्वेटर बुन पाएगी, सब काम दुरुस्त हो जाएगा बिना पार्लियामेंट और विधानसभा की दखल के। और माध्यमिक शिक्षक सेवक संघ को भी डिजॉल्व कर दो, इसकी भी जरूरत ही नहीं रहेगी, सारी सेवा अपने आप बढ़िया चलने लगेगी। इतना सरल उपाय बता दिया, इसको भी नहीं कर रहे। इससे बेहतर कोई उपाय है? मिश्रा जी भी अपना पढ़ाने के काम में ध्यान दे पाएंगे, अभी इनको काम यूनियन में देना पड़ता है, यूनियन की जरूरत ही नहीं, सिर्फ इन चार लोगों के बच्चे पढ़ा दीजिए स्कूल में, जय जयकार हो जाएगी पूरे प्रदेश की।